सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीतापुर से बड़ी खबर, करीब एक घंटे से शिवपाल आजम की मुलाकात जारी, तो सीतापुर जेल में हो रही है ये मुलाकात और इस मुलाकात के लिए कहीं ना कहीं कयासों का बाजार भी गर्म हो गया है। तो बैठक में सियासी मुद्दों पर चर्चा हो रही है। अखिलेश में नाराजगी के बीच शिवपाल आजम की ये मुलाकात कई मायनों में काफी खास है और यही वजह है कि मुलाकातों को लेकर कयासों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। तो मुलाकातों पर मुलाकातें हो रही है। इससे पहले अगर बात करें तो आजम के घर पहुंचे थे तमाम नेता, चाहे वो आरएलडी के जयंत चौधरी हो और ऑफिस की तरफ से भी एक चिट्ठी यहां पर लिखी गई थी। और अब शिवपाल यादव ने जैसे कि कहा था कि वो जेल भी जाएंगे मिलने, अब वो मुलाकात यहां पर जारी है। करीब एक घंटे का वक्त यहां पर हो चुका है इस मुलाकात को और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे कयासों का दौर भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सीतापुर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे, करीब एक घंटे से शिवपाल आजम के बीच मुलाकात जारी है। सीतापुर जेल में बंद है आजम का और ऐसे में सबकी निगाहें इस मुलाकात पर है कि क्या कुछ फ्रेम यहां से निकलकर सामने आता है, क्या कुछ यहां पर कोई बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है, क्योंकि लगातार अटकलें जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। कयासों का बाजार जो है वो गर्म है। तो सीतापुर जेल में ये मुलाकात शिवपाल और आजम की और बैठक में सियासी मुद्दों को लेकर जहां चर्चा हो रही है, तो वहीं अखिलेश से नाराजगी के बीच ये मुलाकात अपने आप में काफी अहम हो जाती है। आखिर बात करें अखिलेश की, तो अखिलेश पहले ही साफ कर चुके हैं जो बीजेपी में जाएगा वो समाजवादी पार्टी का नहीं है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि शिवपाल यादव किस ओर जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आजम का शिवपाल यादव लगातार मुलाकात हो रही है ये अपने आप में काफी अहम हो जाता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता अविनाश का। अविनाश, करीब एक घंटे से शिवपाल आजम की मुलाकात सीतापुर जेल में और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे कयासों का दौर भी बढ़ता हुआ। बिल्कुल, देखिए अभी भी शिवपाल यादव सीतापुर जेल में मौजूद हैं जहां पर आजम खान से उनकी मुलाकात चल रही है। हालांकि इस मुलाकात के बाद अब क्या नए सियासी समीकरण बनकर सामने आते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए एक बात तो बिल्कुल अब क्लियर हो चुकी है कि शिवपाल यादव की जो नाराजगी है अखिलेश यादव से वो लगातार बढ़ती जा रही है। और चूंकि आजम खान को लेकर, हालांकि उन्होंने परसों भी बोला था कि आजम खान के लिए जो कुछ भी करना पड़े, उनके हक के लिए जो भी आवाज़ उठानी पड़े वो आवाज़ उठाएंगे, और पहले से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि शिवपाल यादव सीतापुर जाकर जेल में आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं, तो चूंकि उनकी मुलाकात चल रही है। लेकिन देखिए एक तरफ जयंत चौधरी चूंकि गए थे कुछ दिन पहले आजम खान के परिवार के लोगों से मुलाकात करने, हालांकि तब कहा गया था कि खुद अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को भेजा था आजम खान के परिवार के लोगों को मनाने के लिए, और अब शिवपाल यादव पहुंचे हैं। तो दोनों जो मुलाकातें हो रही हैं, इन मुलाकातों जो मुलाकात हुई है इसके मायने ज़रूर अलग हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि आने वाले समय में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर और शिवपाल यादव के बीच में जो एक नया समीकरण बनता दिख रहा है, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो कुछ और नेता हैं जो आजम खान के सहयोगी हैं, जो आजम खान के सहयोगी माने जाते हैं, वो भी हो सकता है कि शिवपाल यादव या फिर किसी और पार्टी का रुख करें। बिल्कुल, लेकिन करीब एक घंटा हो चुका है इस मुलाकात को और मुलाकात लगातार यहां पर जारी है। एक तरफ सीतापुर में यह मुलाकात हो रही है, अगर लखनऊ की बात करें तो वहां पर किस तरह से सुगबुगाहट और साथ ही जिस तरह से मुलाकात बढ़ती जा रही है, समय बढ़ता जा रहा है, तो क्या माना जाए कि क्या यहां से एक बहुत बड़ी तस्वीर, एक बड़ा फ्रेम उभर कर सामने आ सकता है यूपी में सियासत से जुड़ा हुआ? देखिए शिवपाल यादव के जेल से बाहर निकलने का इंतज़ार हो रहा है। जाहिर सी बात है कि इस मुलाकात के बाद निश्चित तौर पर शिवपाल यादव जब मीडिया से बातचीत करेंगे तो इस मुलाकात को लेकर कुछ ना कुछ इशारा ज़रूर करेंगे। हालांकि जो पीएसपीएल के जो तमाम प्रवक्ता हैं उन प्रवक्ताओं से जब बातचीत हुई आशिमा, तो उनका ये कहना है कि चूँकि दोनों नेता पुराने सहयोगी हैं, पुराने साथी हैं, और चूँकि आजम खान एक लंबे समय से जेल के अंदर बंद हैं, जो सपा समाजवादी पार्टी है वो आजम खान की सुध नहीं ले रही है, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं आजम खान की सुध नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में पुराने सहयोगी होने के नाते शिवपाल यादव पहुंचे हैं। चूंकि एक लंबा संघर्ष किया है दोनों लोगों ने पार्टी को खड़ा करने में, तो ये पीएसपीएल की तरफ से तर्क जरूर दिया जा रहा है। लेकिन देखिए इस मुलाकात के निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ सियासी मायने जरूर हैं, क्योंकि जिस तरीके से हाल के दिनों में चूंकि सबसे पहले अखिलेश यादव का बयान सामने आया शिवपाल यादव को लेकर, जिसके बाद शिवपाल यादव ने पलटवार किया, उन्होंने कल कहा कि अगर अखिलेश यादव चाहते हैं तो
तो उन्हें समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल से बाहर कर दें। तो एक तरफ तलखी बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ आजम खान से शिवपाल यादव की मुलाकात निश्चित तौर पर। एक और ये बड़ी अपडेट आपको दे दे, एसपी नेता रविदास महतोत्रा का बयान, मैं रविवार को आजम से मिलने जा रहा हूँ, रविदास कई विधायकों के साथ आजम खान से मिलूंगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, एक तरफ शिवपाल यादव लगातार सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात कर रहे हैं, एक घंटे का वक्त हो चला है, और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसपी नेता रविदास महरोत्रा का ये बयान सामने आया, मैं रविवार को आजम से मिलने जा रहा हूं और कई विधायकों के साथ आजम खान से मिलूंगा। लगातार हमारे संवाददाता अविनाश बने, अविनाश एक तरफ शिवपाल यादव से मुलाकात एक घंटे से ज्यादा का वक्त, वही एसपी नेता रविदास महरोत्रा का भी बयान यहाँ पर सामने आया और रविवार को मुलाकात करने की बात कही कई विधायकों के साथ वो भी। देखिए आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी में जो फूट है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि इससे पहले देखा जाए तो तमाम जो मुस्लिम चेहरे थे, जो मुस्लिम नेता थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने अखिलेश यादव पर ये आरोप लगाते हुए पार्टी खुद ही छोड़ दी थी कि अखिलेश यादव आजम खान का साथ नहीं दे रहे हैं। और अब जिस तरीके से रविदास महरोत्रा जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक हैं लखनऊ मध्य से, उन्होंने कहा है कि वो खुद जाएंगे सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात करने, तो निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी में फूट बढ़ती जाएगी, खासतौर पर चूंकि जो सपा का एक धड़ा है वो पहले से ही दबी जुबान में इस बात को बोलता आया है कि जिस हिसाब से अखिलेश यादव को साथ देना चाहिए था आजम खान का, कई मुद्दों पर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं कन्नी काटते नजर आए, उन्होंने आजम खान का साथ नहीं दिया। लेकिन अब चुनाव के बाद चूंकि पहले जो बातें दबी जुबान से लोग बोलते थे सपा के नेता, वो अब खुलकर बोलने लगे हैं, चाहे हम रविदास महरोत्रा की बात करें या इससे पहले जिन मुस्लिम नेताओं ने आजम खान के समर्थन में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा। बिल्कुल, लगातार मुलाकातों का दौर यहाँ पर चल रहा है और मुलाकातों को लेकर कई तरह के कयास है, तस्वीर सामने आई है, ये देखिए सीतापुर की ये तस्वीर, जब जेल पहुंचे थे आजम खान से मिलने शिवपाल यादव, अभी भी जेल के अंदर मौजूद है आजम खान से, एक घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, लगातार सियासी जो मुद्दों को लेकर चर्चा यहाँ पर चल रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर सीतापुर जेल की जहां पर आजम खान बंद है, और यहां पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या फ्रेम बनकर, क्या एक बड़ी पिक्चर उभर कर सामने आती है, क्योंकि लगातार एक घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, मुलाकात यहां पर हो रही है, क्या अंदर चर्चा चल रही है, सबकी निगाहें, सभी के जहन में ये यहां पर सवाल है, और कयासों का बाजार भी गर्म है कि क्या वाकई जो नाराजगी यहां पर सामने आ रही थी, हालांकि वक्त वक्त पर नाराजगी छलकाई भी गई, लेकिन अब इससे एक बात तो पुख्ता हो चली है कि नाराजगी है और अब समाजवादी पार्टी फूट की तरफ बढ़ती हुई। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि रविदास महरोत्रा भी यहां पर, उनकी तरफ से कहा गया कि कई विधायकों के साथ वो रविवार को मिलने पहुंचेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आजम खां पर अब सबका केंद्र यहां पर बना हुआ है, तमाम जो नेता है उनसे मुलाकातों का दौर जारी है। जयंत चौधरी की बात करें तो अब्दुल्ला आजम से, उनके परिवार से मिलने पहुंचे थे आजम खां के, और मुलाकात यहां पर, और तभी से लगातार सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है, क्या यूपी की सियासत में कोई नया सियासी गुल जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जिस तरह से एक एक कर जो नेता विधायक है वो अपना साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं, उत्पीड़न का आरोप, उपेक्षा का आरोप, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश पर भी सबकी निगाहें हैं कि अखिलेश का क्या स्टैंड यहां पर होगा, क्योंकि तमाम जो नेतागण है, तमाम जो दल है वो लगातार आजम खां को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। तो लगातार मुलाकात चल रही है अविनाश, लगातार मुलाकात चल रही है, तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं, काफी उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है शिवपाल यादव के चेहरे पर, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। और दूसरा सवाल ये कहीं ना कहीं बन जाता है कि एक तरफ मुलाकात हो रही है, यहां पर क्या कुछ पिक्चर उभर कर सामने आएगी तो वक्त बताएगा, लेकिन अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, क्योंकि तमाम दल आजम खान को साधने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव का क्या स्टैंड यहां पर। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरा रहे हैं, और चूंकि वो पिछले काफ़ी समय से जेल में बंद हैं, लेकिन फिर भी एक उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, और माना जाता है कि जो मुस्लिम समुदाय है खासतौर पर जो पश्चिम का बेल्ट है वहाँ पर आजम खान का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, और यही वजह है कि इससे पहले अगर हम ओवैसी की पार्टी की बात करें तो MIM की तरफ से भी ये कहा गया कि आजम खान का स्वागत है उनकी पार्टी में, आजम खान को अपनी पार्टी में लेना चाहते हैं, और
चूंकि शिवपाल यादव की अपनी एक अलग पार्टी है पीएसपीएल, हालांकि पुराने साथी रहे हैं, तो आने वाले समय में देखिए इस मुलाकात के बाद शिवपाल यादव, आजम खान समेत कुछ जो दूसरे नेता हैं वो मिलकर कोई नया सियासी गठबंधन बना लें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि देखिए इस दौरान ये खबर भी आई कि शिवपाल यादव हो सकता है कि भाजपा का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि दो चीज़ें हैं, अगर शिवपाल यादव आजम खां के साथ जाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दो धड़ा है, दो केंद्र बिंदु हैं। लेकिन अगर वो आजम खां के साथ जाते हैं तो निश्चित तौर पर, चूँकि शिवपाल यादव की अभी भी माना जाता है कि कई जगहों पर पूरे प्रदेश के कई जिलों में उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है, खासतौर पर यादव समाज में, और अगर आजम खान साथ में आते हैं तो जो मुसलमान इस बात से नाराज है कि अखिलेश यादव ने आजम खान का साथ नहीं दिया, तो वो वोट बैंक भी शिवपाल यादव के साथ शिफ्ट हो सकता है। और वैसे में अगर MIM जैसी पार्टियां या फिर कुछ दूसरी पार्टियां जो छोटी पार्टियां हैं वो मिलकर एक नया गठबंधन खड़ा करती हैं तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के लिए और ज्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो समाजवादी पार्टी का होगा, जिसमें कि यादव वोट कटेंगे, मुस्लिम वोट कटेंगे, तो अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। हालांकि देखिए शिवपाल यादव को लेकर वो लगातार जो एक उनका रुख है उससे तो साफ है कि वो शिवपाल यादव को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आजम खां को लेकर अभी भी अखिलेश यादव ने भले ही बहुत कुछ खुलकर ना बोला हो उनके जेल जाने पर और ना ही कोई संघर्ष किया हो, लेकिन आजम खां को लेकर अखिलेश यादव का अभी तक ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है जिससे ये पता चले कि अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि आजम खान उनकी पार्टी में रहें। और अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो जिस तरीके से जयंत चौधरी को, जब जयंत चौधरी गए तो कहा गया कि अखिलेश यादव ने उनको खुद भेजा है कि वो जाकर आजम खां के परिवार को मनाएं और उन्हें ये बताने की कोशिश करें कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से उनके साथ है, लेकिन शिवपाल यादव की चूंकि मुलाकात चल रही है और जो मैसेज एक देने की कोशिश की जा रही है, माना जा रहा है कि आने वाले समय में कोई नया सियासी फ्रंट यूपी में खड़ा हो सकता है। तो देखिए कि एक घंटे से शिवपाल और आजम के बीच लगातार मुलाकात यहां पर चल रही है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है, साथ ही रणनीति भी यहां पर कहीं ना कहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से मुलाकात और इससे पहले भी आजम खां के समर्थकों और आजम खां की तरफ से जो नाराजगी व्यक्त की गई थी और अब तमाम दल लगातार उनको साधने की, अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में ये साफ संकेत कहीं ना कहीं दे रहा है कि यूपी में एक नया समीकरण जो है वो यहां पर देखा जा सकता है। अविनाश, नए समीकरण के के सीधे तौर पर इन मुलाकातों के जरिए मिल रहे हैं, इस नए समीकरण को किस तरह से देखा जाए, न सिर्फ अखिलेश यादव बीजेपी के लिए भी और साथ ही जो मुलाकात यहां पर चल रही है उसको लेकर कोई ताजा जानकारी आप तक पहुंच रही है क्या? देखिए आशमा, दो चीज़ें हैं, इसके बाद क्या कुछ होने वाला है वो शिवपाल यादव हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में साफ कर दे, लेकिन जहां तक सवाल शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का है, तो चूंकि जब नाराज़गी की खबर आई तब ये कहा गया कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी शिवपाल यादव जा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में अगर शिवपाल यादव जाते हैं तो चूँकि भाजपा के पास एक लंबी फहरिस्त है बड़े नेताओं की, जो एक लीडरशिप है उसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है, तो वहाँ पर शिवपाल यादव को कैसे कहां एडजस्ट होंगे, तो शायद अब जिस तरीके से आजम खान से उनकी मुलाकात हो रही है तो माना जा रहा है कि भले ही कुछ ही जिलों में, लेकिन शिवपाल यादव और अगर आजम खान साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक नया वोट बैंक तैयार होगा और वो जो वोट बैंक होगा वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि देखिए अभी ये सारी बातें कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी कयास लगाया जा रहा है क्योंकि एक घंटे से मुलाकात जारी है और तरीके से लगातार सीतापुर जेल में क्या कुछ चल रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता अभिषेक भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, आपके पास क्या ताजा जानकारी, सीतापुर की जेल में लगातार मुलाकात यहां पर चल रही शिवपाल और आजम के बीच, क्या कुछ तस्वीरें और क्या कुछ वहां पर उभर कर समीकरण नजर आ रहे हैं? अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच रही है?
तो लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, संपर्क दोबारा से साधेंगे और सीतापुर जेल में जो मुलाकात चल रही है उसकी पल पल की अपडेट आपको हम न्यूज टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर दे रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता अविनाश भी बने हुए हैं। आजम समर्थकों की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी उपेक्षा हुई है और इस बार के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखे भी तो मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर जो है समाजवादी पार्टी को अपना साथ दिया और ऐसे में कहीं ना कहीं जो नाराजगी अब उभर कर सामने आ रही है वो लाजमी हो जाती है। अविनाश, क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि MY फैक्टर को कहीं ना कहीं लगातार साधते आई है समाजवादी पार्टी, का बड़ा विश्वास कायम रहा है इस MY फैक्टर के जरिए, लेकिन अगर बात करें इस बार के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी बढ़ चढ़कर मुसलमानों ने एक तरफा वोट कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो आंकड़ा यहां पर हासिल किया समाजवादी पार्टी ने, और दूसरी तरफ अब अनदेखी और उपेक्षा के आरोप, तो जाहिर तौर पर यह नाराजगी लाजमी हो जाती है एक विशेष वर्ग की जो साथ देते हैं अखिलेश यादव का। देखिए आशमा, जब से कांग्रेस की सरकार गई यूपी से तब से लेकर अब तक ये देखा गया कि जो मुसलमानों का एक बड़ा तबका है, जो बड़ा वोट बैंक है, वो हमेशा से ही समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। लेकिन सच ये भी है कि इस बार जिस तरीके से डेडिकेटिंग वोटिंग हुई मुसलमानों की तरफ से, उससे पहले कभी नहीं हुई थी समाजवादी पार्टी को लेकर। और यही वजह है कि चूँकि वो समाज अब शायद ये सोच रहा है कि हम एक तरफ अपना सब कुछ दे रहे हैं जिस पार्टी को, उस पार्टी के नेता को हमारे नेता की कदर नहीं है। क्योंकि देखिए ये सवाल पहले से ही जो सपा के जो मुस्लिम नेता थे दबी जुबान से इस बात को बोल रहे थे कि आजम खान के साथ अखिलेश यादव को खड़ा होने की जरूरत है। क्योंकि शुरुआत में जब आजम खान पर मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए, जब वो जेल गए, जब उनके बेटे को जेल भेजा गया, चूंकि 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे, तभी से दबी जुबान में भले ही जो सपा के जो मुस्लिम नेता थे दबी जुबान में बोल रहे थे, लेकिन चुनाव के बाद देखा गया कि चुनाव के बाद जो नेता दबी जुबान में ये बोल रहे थे कि आजम खान को के साथ खड़े होने की जरूरत है, वो अब मुखर हो रहे हैं। और यही वजह है कि सुल्तानपुर से लेकर पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों के जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। और अब माना जा रहा है कि आने वाले समय में अगर अखिलेश यादव डैमेज कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये जो दिक्कत है और ज्यादा बढ़ती जाएगी और समाजवादी पार्टी के अंदर जो विरोध के स्वर हैं आजम खान को लेकर वो बढ़ते जाएंगे और आने वाले समय के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा अखिलेश यादव के सामने। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार मुलाकात चल रही है और उस मुलाकात के अपने ही मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं, लेकिन तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव की इस मुलाकात के बाद साफ हो पाएगी।